छत्तीसगढ़ टेली एसोसिएशन और यूनियन क्लब की ओर से गुरुचरण सिंह होरा के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इसमें यूनियन क्लब अध्यक्ष और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरा क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवाने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों और क्लब के सदस्यों का आभार दिल से जताया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और खेल युवा कल्याण विभाग के बैनर तले जोरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी बनाई गई है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया खेल ओलंपिक के समापन पर किया था। इसके बाद से यह कोर्ट टेनिस खिलाड़ियों को समर्पित हो गया। इस टेनिस एकेडमी को बनवाने में टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का विशेष योगदान रहा। इसके लिए गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताने के लिए यूनियन क्लब में सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर हार पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ियों और क्लब के सदस्यों ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा ने न केवल यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही टेनिस एकेडमी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए उनका आभार जताते हैं। शहनाई का नाम तो बिस्मिल्ला खां का याद आता है, सितार का नाम तो रविशंकर याद आते हैं, छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का नाम तो गुरुचरण याद आते हैं। तो मुझे इनको बधाई देते हुए और इनका स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि न सिर्फ यूनियन क्लब का, न सिर्फ रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का इन्होंने मान बढ़ाया है। और मैं इनके उत्तरोत्तर भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी आप AITA के प्रेसिडेंट हो जाएं, BCCI में भी आप इस पद से और ऊँचा पद ग्रहण करें और छत्तीसगढ़ के और अपने स्पोर्ट्स जगत के लिए ऐसा ही प्रयास करते रहें और सबको करें, एनकरेज करें खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सारे टेनिस प्लेयर्स की ओर से, चूँकि मैं, मुझे कोई दूसरा हो तो बताना, मैं इस्तीफा दे दूँगा, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के टेनिस प्लेयर्स की ओर से बोरा जी को बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नहीं कि मेरे ताज्जुब हुआ, ये स्टेडियम से भी बड़ी उपलब्धि है कि अपने इंडियन सीनियर टीम का, टेनिस टीम को एज ए मैनेजर लेके विदेश जा रहे हैं। माने कितनी बड़ी बात है कि इंडिया नंबर 1-2 को अगर आम खिलाड़ी मिलता है तो उनके साथ बात करने में वो हिचकिचाता है, अरे बाबा इतने खोपन्ना है, अरे बाप रे ये बामरा, ऐसे इस टाइप से। उनकी टीम को लेके गुरचरण जी अभी विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये न केवल रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं तो उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ और ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है, मैं गुरचरण का है ना, तो धन्यवाद। होरा जी के स्वागत समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्रदेश के मुखिया, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई श्री भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव भाई गुरचरण होरा जी, टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी एवं टेनिस संघ के सचिव, जुझारू सचिव श्री गुरचरण होरा जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को दिए गए टेनिस एकेडमी के एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि उनकी इस उदार नीति का प्रदेश के समस्त खेल संघों को भी हमारे भाई गुरचरण होरा जी का आशीर्वाद भविष्य में मिलता रहेगा। माननीय गुरचरण सिंह होरा जी ने जो सौगात छत्तीसगढ़ को दी है वो अतुलनीय है। इस सौगात से ये होगा कि जो हमारे जूनियर टेनिस खिलाड़ी आगे आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से गुरचरण सिंह होरा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से इतना बड़ा एकेडमी यहाँ पे बन सकी है।
उम्मीद करता हूं कि इसी तरह वो पूरे आगे भी सभी खेलों को अपना योगदान देते रहेंगे और खेलों को बढ़ावा देते रहेंगे। धन्यवाद। पैदा जन्म से ही पर हुआ हूं, लेकिन इतना बड़ा सम्मान जो आज हमारे आदरणीय गुरुचरण जी को मिला है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक संजय शर्मा जी थे जो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनाया था, लेकिन दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरुचरण जी होरा जी। मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। टेनिस अकादमी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने राशि की कमी नहीं होने दी। जब जब उनसे निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई, उन्होंने सहयोग प्रदान किया। आने वाले दिनों में टेनिस संघ खेल युवा कल्याण विभाग से MOU करके संचालित करेगा। इस दौरान मौजूद सदस्यों को आश्वस्त करते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि जल्द ही टेनिस एकेडमी को दूसरा यूनियन क्लब बनाया जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास नहीं है, ये प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का प्रयास है और उनके मार्गदर्शन में वो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यकाल में ये पहला स्टेडियम है टेनिस का जो कि लोकार्पित हुआ। माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो खेलों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। रीजनल खेल डंडा गिल्ली भौरा ये तो वो करा ही रहे हैं, 30 लाख लोग खेलें, और ये हमारे लिए टेनिस स्टेडियम गौरव की बात है कि उसी रीजनल खेल के बीच में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया, तो उनका सभी खेलों के प्रति रुझान जो है वो दर्शित करता है और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से ये टेनिस स्टेडियम लोकार्पित हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा सुंदर स्टेडियम बना है, 45 कमरे रुकने के लिए बने हैं, हॉल बने हुए हैं, 5 टेनिस कोर्ट हैं, प्रैक्टिस के एक मेन कोर्ट है, 6 कोर्ट बने हुए हैं और बहुत भव्य स्टेडियम तैयार है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से और यूनियन क्लब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूँ। माननीय तामदस साहू जी, उमेश पटेल जी, PW की टीम और स्पेशली श्वेता सिन्हा जी, नीलम एक्का जी, इन सब के प्रयास से ये जो स्टेडियम तैयार हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को खेलने के लिए शीघ्र उपलब्ध होगा। मैं इसी अवसर पर उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह अचीवमेंट यूनियन क्लब के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के टेनिस जगत के लिए भी है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ को जो एक टेनिस एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस कोर्ट का जो सौगात मिली है वो गुरुचरण सिंह होरा जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व उनकी सरकार द्वारा जो है स्टेडियम की सौगात दी गई है। यह टेनिस जगत में एक नया आयाम होगा छत्तीसगढ़ के लिए और सारे खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से अब टेनिस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहले से ज़्यादा निकलेंगे, यह उम्मीद जरूर की जा सकती है एवं खेल जगत में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके लिए गुरुचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन क्लब जो जहां से वह खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सम्मान है गुरुचरण भाई का, क्योंकि खेल में आज के डेट में जो भी खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसमें हर खेल में गुरुचरण भाई का योगदान है खुल के, और अभी जो आज उनका सम्मान क्लब ने और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने सम्मान किया है उनका, वो स्टेडियम को उन्होंने भरपूर ढंग से बनवाया है। मुख्यमंत्री बघेल जी उनका पूरा योगदान और इन्होंने देख के खड़े होकर बनवाए हैं पूरे शासन के टीम के साथ, तो ये हम लोग के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। इसमें एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा गुरुचरण भाई को कि इसके बाद वो मेरा जो खेल है बैडमिंटन उसके लिए वो उसका भी इसी तरह का एकेडमी बनवा दें, क्योंकि उनका प्रयास जो है ना इतना अच्छा प्रयास होता है कि बनना ही बनना है, ये हम सब खिलाड़ियों का विश्वास है।